मेरा नाम अतीका है। मेरा ताल्लुक एक मतवस्सित खानदान से है। हम गांव के रहने वाले थे और मेरी शादी भी गांव में ही हुई थी। ये इस वक्त का वाकया है जब मेरी शादी का भी चंद माह ही हुए थे। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश थी। हम तीन ही घर के फर्द थे, मैं, मेरे शौहर और सास। ससुर चंद साल पहले वफात पा चुके थे। आसिम की दो बहनें थी, दोनों शादीशुदा थी और अपने घरों में खुश थी। कहते हैं कि अच्छा और पुरसकून घर हो तो समझे आपको दुनिया में जन्नत मिल गई है, और मैं अपनी जन्नत में थी। मेरी अपनी सास के साथ अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटियों की तरह ही समझा। कभी किसी बात पर रोक टोक ना करती। वो ज्यादातर अपनी इबादत और वसाइफ में मसरूफ रहती। घर का कामकाज सादा न था कि किसी पर भी बोझ पड़ता। मेरी सास ज्यादातर मेरी हाँ में हाँ मिलाती थी, मगर मैंने नोट किया कि मेरे शौहर की चची जो साथ वाले गांव में रहती थी, वो जब भी आती इनकी नजरों में मेरे लिए नापसंदीदगी थी। मुझे समझ न आता कि इनको मेरे साथ क्या मसला है, मगर आसिम पर हमेशा इनकी नजर रहती। जिधर आसिम जाते चची की नजर इनके पीछे पीछे रहती। वो आसिम का बहुत ख्याल करती। जब भी आती आसिम के लिए कुछ ना कुछ बना कर लाती। कभी खीर होती, कभी गोश्त का सालन, हमेशा कुछ लेकर ही आती। और जो भी लाती वो आसिम को अपने पास बैठा कर खिलाती। मुझे सब कुछ बहुत अजीब लगता। कई बार दिल में ख्याल आता कि साफ कह तो होकर और पूछ लूं, मगर ये सिर्फ ख्याल ही था। मैं कभी इतनी हिम्मत न कर सकी कि इनको साफ साफ कह दूं। एक दिन मेरे शौहर की चची हमसे मिलने के लिए आई। इस दिन भी वो बेसन की बर्फी बनाकर लाई थी। उन्होंने आते ही चाय वगैरह पी और आसिम यानी मेरे शौहर के बारे में पूछना शुरू कर दिया। आसिम किधर है नजर नहीं आ रहा। हमने उन्हें बताया कि वो जरा घर से बाहर गए हैं जरूरी काम के लिए, अभी आते होंगे। मगर चची फिर थोड़ी देर बाद पूछ लेती कि आसिम कब आएगा, कहाँ गया है। मैं हैरान नजरों से इनको देख रही थी कि ये बार बार क्यों पूछ रही हैं। मेरी सास ने जब ये देखा कि मैं हैरान हो रही हूँ, वो अपनी जगह से उठी और चची का हाथ पकड़कर सीढ़ियों के पास ले गई। दोनों वहां कुछ देर खड़ी आहिस्ता आवाज में फुसर फुसर करती रही। मेरी सास ने चची के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़े हुए थे, जैसे इन्हें कुछ समझा रही। कुछ देर बात करने के बाद मेरी सास ने चची को ऊपर जाने का इशारा किया तो वो ऊपर छत पर चली गई। मैं यूं तो अपने काम में मसरूफ थी, मगर गर्म आंखियों से इनकी तरफ ही देख रही थी। कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी कि लोग मुझसे कुछ छुपा रहे थे। कुछ देर के बाद मेरे शौहर भी वापस आ गए। मैंने इनसे चाय का पूछा, मगर उन्होंने इनकार कर दिया कि अभी दिल नहीं जा रहा। वो वहां रुके भी नहीं और वो भी चची के पीछे ऊपर छत पर चले गए। मुझे तजस्सुस हो रहा था कि आखिर ये कर क्या रहे हैं दोनों छत पर। मुझे अपने शौहर पे भी गुस्सा आ रहा था। आखिर मैं इनकी बीवी थी, मुझे जानने का पूरा हक था, मगर मजाल है कि वो अपने आप कुछ बता दे इस बारे में। इतने में मेरी सास उठकर कमरे में जा चुकी थी। वो यकीनन असर की नमाज पढ़ने गई थी, क्योंकि इस वक्त असर की नमाज का वक्त था। मैंने भी वजू किया, असर की नमाज पढ़ी और सोचा अब छत पर जाकर देखती हूँ। मैंने ऊपर जाने के लिए पहली सीढ़ी पर ही कदम रखा था कि मेरी सास कमरे से बाहर आई और जल्दी से मेरे पास आई और कहने लगी, साइमा बेटी किधर जा रही हूँ। मैंने कहा मैं भी जरा छत पर जा रही थी। उन्होंने फौरन मेरा हाथ पकड़ा और बोली, रुको चाय के बर्तन तो वैसे ही किचन में पड़े हैं, पहले वो धो लो फिर जाना। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। मेरा अचार वापस मुड़ गई, बर्तन वगैरह धोकर फारिग हुई तो फिर मेरी सास ने मुझे अपने पास बुला लिया कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, कुछ देर बैठ कर दबा दो। मैं इनका सर दबाने लगी। कुछ देर यूं ही गुजर गई। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ बहाने हैं, क्योंकि पहले वो असर की नमाज के बाद कभी लेटती नहीं थी, कुछ ना कुछ वज़ाइफ करने लगती थी। बल्कि अगर मैं लेटी होती तो अक्सर मुझे कहती थी कि बेटा इस वक्त नहीं सोते। वो बस मुझे ऊपर जाने नहीं देना चाहती।
इसलिए सर दबाने के बहाने अपने पास बैठा लिया था। मैं कुछ परेशान हो गई थी सारी सूरत हाल से। इतने में मगरिब की अजान हो गई, मेरी सास उठकर नमाज पढ़ने लगी, तो मैंने सोचा अभी ठीक वक्त है, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ वो लोग कर क्या रहे हैं। मैं कमरे से निकली और दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगी। अभी मैं जैसे 2-3 सीढ़ियां पीछे ही थी कि मुझे छत का मंजर नजर आने लगा। मुझे चची की पुश्त नजर आई, वो दीवार की तरफ मुंह करके चारपाई पर बैठी थी और हिलते हुए बार बार सर नीचे झुका रही थी, और आसिम के पांव नजर आ रहे थे मगर सर मुझे नजर नहीं आ रहा था। शायद आसिम का सर चची की गोद में था। ये सब देखकर उलझन हल होने के बजाय मेरे जहन में मजीद शकोशुबात पैदा हो गए। मैं भी समझने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या हो रहा है। इतने में मेरी सास की आवाज आई, साइमा तुमने नमाज पढ़ ली है? मैं जल्दी से नीचे उतर आई कि कहीं इन्हें पता न चल जाए, और सास से कहा कि अम्मी मैं बाथरूम में थी, बस पढ़ने लगी हूँ नमाज। मैंने वजू किया और नमाज अदा की। इसी दौरान कुछ देर बाद चची भी नीचे आ गई और आसिम भी आ गए। आते ही उन्होंने चाय मांगी और चची ने फ्रिज में रखी बेसन की बर्फी भी इनके आगे रखी। आसिम ने चाय पी, चची भी मगरिब की नमाज के बाद अपने घर वापस चली गई। मैंने सोचा कि मैं अपने शौहर से बात करूंगी इस मामले में और पूछ लूंगी कि क्या चक्कर है। रात को खाने के बाद जब सब अपने कमरों में सोने चले गए, तो मैंने अपने शौहर से पूछा, आप और चची इतनी देर छत पर थे, क्या कर रहे थे वहाँ? मेरे शौहर ने जवाब दिया, करना क्या था भाई, बातें कर रहे थे और क्या। उन्होंने गोल मोल सा जवाब दिया और लेट गए। कितनी अजीब बात थी, बातें कर रहे थे तो इधर सबके सामने भी कर सकते थे, इसके लिए ऊपर छत पर जाने की क्या जरूरत थी। मैंने भी दिल में तहैया कर लिया कि अब जो भी हो जाए इस राज से पर्दा उठा कर रहूंगी। अगली बार जब चची आई तो मैंने नोट किया कि वो जुमेरात का दिन था। इससे अगली बार जब वो आई वो भी जुमेरात के दिन ही आई। इसी तरह यह सिलसिला चलता रहा। वो हर नौचंदी जुमेरात को आती और मेरे शोहर को साथ देकर छत पर चली जाती थी। ये सिलसिला इसी तरह कई माह तक चलता रहा। मैं इनकी हरकतें नोट करती रहती और मेरा तजस्सुस बढ़ता रहता। शक मजीद गहरा होता गया। फिर आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। इस दिन मेरी सास खानदान में किसी शादी पर गई हुई थी। उन्होंने मुझे भी साथ चलने को कहा, मगर मैंने मौके के इंतजार में थी इसलिए बहाना बनाया कि मेरा दिल नहीं चाह रहा आप चली जाए। अब मैं आसिम घर में अकेले थे। इस रोज मंगल था, मुझे शिद्दत से जुमेरात का इंतजार था, क्योंकि पिछले तमाम हफ्तों के मामूल के मुताबिक चची जुमेरात को जरूर आती थी। मैंने देखा अक्सर कभी इनकी तबीयत नासाज भी होती तो भी वो जरूर आती थी। आखिरकार मेरा इंतजार रंग आया और जुमेरात के रोज चची हसबे मामूल असर के बाद आई और मैंने इन्हें चाय बना कर दी। उन्होंने आते ही आसिम का पूछा, मैंने इन्हें बताया कि बस आने वाले हैं। मैंने इनसे झूठ बोला था क्योंकि आसिम अंदर कमरे में सोए हुए थे, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो दवा खाकर कुछ देर लेट गए थे। उन्होंने भी मुझे कह रखा था कि चची आए तो मुझे जगा देना, मगर मैं चाहती थी वो सोए रहे। चची चाय पीने के बाद छत पर चली गई और जाते हुए कह गई कि आसिम आए तो उसे ऊपर भेज देना। मैंने कहा ठीक है चची। इनके छत पर जाने के बाद मैं दबे पांव अपने कमरे में गई। आसिम आराम से सो रहे थे। मैंने एक बार इनकी आंखों के आगे हाथ लहरा कर इत्मीनान कर लिया कि वो गहरी नींद में तो है ना। अब इत्मीनान कर लिया और फिर मैंने अलमारी से आसिम के कपड़े निकाले, अपने कपड़े बदल कर आसिम के पहन लिए और बाल ऊपर करके कस के बांध दिए और एक मर्दाना साफा लेकर अपने मुंह के गिर्द अच्छी तरह लपेट दिए। ये सब करते हुए मेरा दिल भी तेजी से धड़क रहा था, जैसे मैं कोई चोरी करने जा रही थी। मैं आसिम की तरफ भी देख रही थी कि कहीं वो उठ ना जाए। अगर इनकी आंख खुल गई तो मेरा सारा प्लान धरे का धरा रह जाएगा। इसलिए मैं बिना आवाज के ये काम निपटा कर बाहर निकली और बाहर का दरवाजा देखकर तसल्ली की कि वो भी बंद था। अपनी सीढ़ियां चढ़कर छत पर चली गई। चची चारपाई पर दीवार की तरफ मुंह करके बैठी थी, कुछ बड़बड़ाने की आवाज भी आ रही थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर वो मेरी तरफ देखे बिना बोली, आ जा आसिम, आज तो बहुत देर कर दी तुमने,
मैं इनके सामने पहुंचकर चारपाई पर बैठ रही थी कि उन्होंने मुझे पहचान लिया। जाहिर है ये तो होना ही था, चाची के सामने जैसे किसी ने धमाका कर दिया। साइमा तुम? चाची ने ऊंची आवाज में कहा। वो हैरत के मारे उठकर चारपाई से खड़ी हो गई। ये क्या हरकत है, वो गुस्से में मुझसे पूछने लगी। मैं भी आपसे यही पूछना चाहती हूँ चाची कि ये क्या हरकत है, क्या चल रहा है ये सब। मैंने भी इस लहजे में जवाब दिया तो चाची गुस्से से सीढ़ियों की तरफ पड़ी और नीचे चली गई। मैं भी इनके पीछे ही नीचे चली आई। उन्होंने नीचे पहुंचते ही आसिम को आवाजें देनी शुरू कर दी। आसिम आसिम कहाँ हो तुम, इधर आओ, बात सुनो मेरी, चची ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। शोर की आवाज सुनकर आसिम की आंख खुल गई। वो भी कमरे से बाहर आकर पूछा कि क्या बात है, शोर किस बात का है। तो चची ने बुलंद आवाज में कहा, अपनी बीवी से पूछो ये क्या करती फिर रही है। जानते हो ये मेरी निगरानी कर रही थी, चोरी छुपे मेरे पीछे छत पर आई थी। आसिम ने मेरी तरफ देखा तो हैरत से देखते ही रह गए और बोले, ये क्या है साहिबा, क्या होलिया बनाया हुआ है, और ये तुमने मेरे कपड़े क्यों और जूते क्यों पहने हुए हैं। तो मैंने कहा कि ये सब मुझे इसलिए करना पड़ा ताकि मैं जान सकूं कि ये क्या हो रहा है, आप लोग क्या छुपा रहे हैं मुझसे। मेरा जवाब सुनकर वो दोनों कुछ देर के लिए खामोशी से मुझे देखते रह गए। आसिम ने तासुब से सर हिला दिया। फिर आसिम ने कहा, चलो बैठो साहिबा, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या सब बात क्या है। हम सब बैठ गए तो आसिम ने बताना शुरू किया। बात ये है कि चची की जब शादी हुई तो इन्हें दौरे पड़ते थे, इनकी हालत गैर हो जाती, वो किसी की काबू में ना आती, दौरे के बाद वो बेहोश हो जाती। खुदा जाने वो क्या था, क्यों पड़ते थे। कोई कहता है बीमारी है, कोई कहता है जिन्नात का साया है, खर्च जितने वो इतनी पाते, हर कोई अपने हिसाब से इलाज भी तजवीज कर देता। इस दौरान चची पहली बार 19 से हुई, इसी बीमारी के दौरान ही चची ने बेटी को जन्म दिया। चची की बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि इन्हें अपना होश तो ना रहता और अक्सर इन्हें दौरा पड़ता तो वो अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती, जिसकी वजह से घर वालों ने एक फैसला किया कि बच्ची को इसके ताया और ताई के हवाले कर दिया गया। चची की हालत ऐसी थी, इन्हें काफी अरसे तक इस बात का इल्म भी ना था कि इनकी कोई औलाद भी है। आसिम बता रहे थे और चची सर झुकाए खामोशी से बैठी थी, आंसू निकल कर इनके हाथों पर गिरते जा रहे थे। मुझे इन पर तरस आ रहा था, चची का दोनों तरह का इलाज हो रहा था, डॉक्टरी इलाज भी और रूहानी इलाज भी। रूहानी इलाज के एक बुजुर्ग ने बताया कि जब चची की पैलोटी की औलाद बालिग हो जाए तो हर नौचंदी जमेरात को असर से मगरिब के दरमियान अपने बच्चे के माथे के बाल पकड़कर ये व्रत पढ़ना है और उसकी पेशानी पर थूकना है, वरना डर है कि वो शैतानी ताकत माँ या बच्चे में फिर से जाहिर हो सकती है। बस इसी वक्त से चची हर नौचंदी जमेरात को ये अमल करने हमारे पास आती है और हमने कभी इनको मना नहीं किया क्योंकि वो माँ है, इनकी ममता को जैसे सुकून मिलता है वो करें। ये सब सुनकर मेरा मुंह हैरत से खुला रह गया। मगर आसिम फिर आ, मैंने बात अधूरी छोड़कर इनकी तरफ देखा तो मुस्कुरा दिए। हाँ सर, जो तुम समझ रही हो वो ही ठीक है, चची ही मेरी हकीकी माँ है, उन्होंने मुझे जन्म दिया मगर इनकी बीमारी के बाइस मुझे पाल पोस ना सकी। इतने में चची ने दोनों हाथों से अपनी आंखें साफ की और बोली, चलो जल्दी करो आसिम, आज देर करवा दी है तुम्हारी बीवी ने। चची ने मुझे घूर कर देखा और वो छत पर चली गई। आसिम भी इनके पीछे चले गए और मैं वहां बैठी है दुआ कर रही थी कि खुदा हम सबको ऐसी शैतानी ताकतों से महफूज रखे। आमीन।